एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी अमेरिकन्स ARZ। सो आज हम आपको लेकर आए हैं ज़ू, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो एवरीवन, सो जल्दी से हो जाए तैयार और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं एडवेंचर की दुनिया में और आपकी बचपन के मेमोरीज को ताज़ा करने आपको लेकर जा रहे हैं बचपन के फ्लैशबैक में। कभी ना कभी आप सब ज़ू तो गए होंगे बचपन में या फिर अपने बच्चों के साथ। सो हम भी आपको लेकर जा रहे हैं आपके बचपन की यादों को दोबारा से ताज़ा करने। सो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि अब हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं डैलस ज़ू। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार हम पहुंच गए, लेकिन पार्किंग के बाद अंदर भी हमें काफ़ी चलकर जाना पड़ा। मेन एंट्री वहां थी, उससे पहले हम लोगों को काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ी। लेकिन अगर आप लोगों के गोटे गिटों में इतनी हिम्मत है तो ज़रूर, क्योंकि इतनी लंबी वॉक के बाद हमारे गोटे गिट्टे हो गए थे दर्द से चूर, और उसके अंदर भी हमने बहुत सारी वॉक करनी थी। खैर, लेकिन हम इस एडवेंचर पार्क को एंजॉय करना चाहते थे और मिस करना नहीं चाहते थे। तो अगर हम डैलस ज़ू की बात करें तो ये जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड है डैलस टेक्सस में, और ये टेक्सस का सबसे बड़ा वहाँ पर आप जाकर पूरे पार्क की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको कहाँ जाना है वो आपको गाइड कर देंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैप्स भी लगे हुए थे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर वेदर का हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता, सुबह आए थे तो बहुत सर्दी थी, अब अभी यहाँ आए तो लग रहा है गर्मी है। Oh.
रहा है दिखे देखे। हाँ वो अंदर वो जो ब्लैक ब्लैक नहीं नजर आ रहा, वो बेबी क्रोकोडाइल का ब्लैक ब्लैक। लेट मी चेक। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे भी आए हुए थे और स्कूल की पिकनिक्स आई थी, तो मुझे देखकर यही याद आया जैसे हम लोग अपने बचपन में स्कूल की पिकनिक्स पर जाते थे और इंजॉय करते थे। सो बेसिकली डालर ज़ू का मकसद यह है कि ये कन्वर्जेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए इन्होंने बनाया है। सो यहाँ पर हमें मिले हैं जी बहुत सारे कॉइन्स, तो वी डोंट नो ये बैनी ने जी फाइंड किया है कि यहाँ लोगों ने अंदर पानी में कॉइन्स फेंके हैं, हमें इसका आइडिया नहीं है कि हम आपको लेकर जा रहे हैं जी जायंट ऑफ सवाना, जो डालर ज़ू का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है। सो बेसिकली जायंट ऑफ सवाना बना है जी 11 एकड़ पर और यहाँ आपको मिलते हैं एलिफेंट्स, जिराफ, ज़ेब्रास और अदर अफ्रीकन स्पीशीज। और यहाँ का इन लोगों ने एनिमल्स के लिए उनका लिए वैसे ही इन्वायरमेंट बनाया है। जायंट ऑफ सवाना में एंटर होने के लिए एक ये बहुत बड़ा टनल है, इसको आपको क्रॉस करना पड़ता है और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है। A few moments later. जी अब हम आ गए हैं जायंट ऑफ सवाना में। सो जायंट ऑफ सवाना बना है 11 एकड़ पर और यहाँ आपको मिलेंगे अफ्रीका के बहुत ही खूबसूरत वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स, और इसमें मौजूद होते हैं जी एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रास, ऑस्ट्रिच और भी बहुत कुछ। Wow. So ये जी है जी एक्वेरियम। Oh, पेंगुइन। जायंट ऑफ सवाना डालर ज़ू का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है बिकॉज डालर ज़ू बहुत बड़ा है, तो एक दिन में तो हम लोग पूरा नहीं घूम सकते, लेकिन यस जितने भी लोग आते हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जायंट ऑफ सवाना देखें। इग्नोर कर रहे आपको। तो जी मैंने देखी है देख रही है फर्स्ट टाइम पेंगुइन्स। Zoe, have a look, my princess. Gorilla. So let's see. मैं जा रही हूँ गोरिल्ला को देखने।
तो बेसिकली चांदू सुहाना का फोकस एजुकेशन पर्पस पर है. वो अपने विजिटर्स को ये सिखाना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ के बारे में, उनके सराउंडिंग में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में. और उन लोगों ने बहुत अच्छे हर एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है एनिमल के बारे में. आप लोग जाकर उसकी पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं. और उसके साथ साथ आपको टूरिस्ट मिलते हैं जो आपको हर एक एनिमल के बारे में डीपली आपको बताएंगे. आप लोग जो भी क्वेश्चन करें उनके बारे में आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे. तो एजुकेशन पर्पस पे इनका बहुत बड़ा फोकस है और अपने ये विजिटर्स को, फैमिलीज को, चिल्ड्रंस को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं. Zoe, first time I have zoo में और जानना नहीं थी कि गोरिल्ला पेंगुइन और अभी Zoe कर रही है बिस्किट enjoy. Right, Princess? Right, Princess? अभी आप इंजॉय कर रहे हैं. हाँ जी, बहुत अच्छा. तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है. सो यस, वी आर एंजॉयिंग. Thank you.
A few moments later. Zoe, what are you doing with your friend? Pakalni. अभी हम लोग आए हैं गोरिल्लास देखने और हमने देखा है गोरिल्लास, मंकीज और बहुत कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हम दिखाएं डैलस का पूरा ज़ू, तो हमारे साथ रहिएगा। डोंट गो एनीवेयर। डैलस ज़ू टेक्सास का सबसे पुराना ज़ू है और इसकी ओपनिंग हुई थी जी 1888 में, और तब इसमें सिर्फ दो डियर थे और सिर्फ दो माउंटेन लायंस थे। लेकिन अगर आज हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं और बहुत बड़ा है और बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाय जोई, जोई इंजॉय कर रही है जी ज़ू। जोई फर्स्ट टाइम जू आई है। मैं जो अंदर फर्स्ट टाइम जू आके एंजॉय कर रही है। एंड फिंच के पास है और यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स के स्टैचूज थे। इन पर बैठकर मैंने और ज़ोई ने बहुत इन्जॉय किया। ज़ोई के साथ साथ मैं भी चली गई थी अपने बचपन में और हम दोनों जो हैं इन पर बैठकर कर रहे थे इन्जॉय और ले रहे थे कुछ सेल्फीज़। Already, guys. Already, guys. So here they are having fun at Dallas Zoo. We're gonna see some elephants. Zoe, look at there. Look at there. Wow. Mm-hmm.
already, guys. Okay, let's go then. Lahore mein bhi hai. Wow, predator viewing areas. जी इतना घूमने के बाद मेरी गोड़े गिट्टों में तो हो गई थी शदीद दर्द, तो मैंने सोचा चलें बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे ये डैलस ज़ू पूरा घूमना था, बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था विज़िट। और सबसे स्पेशल बात ये थी कि ज़ोई का भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट था, तो हम दोनों फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे। दैट्स वाई आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मुझे ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डैलस ज़ू देख लूँ। ऊपर आ जाओ, आ जाओ भाई, हॉस्पिटल में दूर है इधर से। Already guys, so they are gonna be on the way. बेनी और भाभी और जोई। ये A few moments later. Giraffe Zoe, you happy? Look at this. So abhi hum log dekh rahe hain giraffe. Hi Zoe, main jo unhon ne book kiya dekh. Oh, dhyan se baba ji. सो लॉयंस के बाद हमने देखे जिराफ। सो जिराफ को आप लोग $6 के यहाँ पर लीव्स मिल रहे थे, सो आप लोग वो ख़रीद कर जिराफ्स को खिला सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए थे और पिकनिक्स आई हुई थी स्कूल्स की। सो सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे देखकर, और मैंने और ज़ोई ने और हम सब ने भी जिराफ को इतनी क्लोजली देखा फ़र्स्ट टाइम। सो हम लोग बहुत हैप्पी थे और यस वी इंजॉयड।
अभी हम लोग देख रहे हैं जिराफ के बाद ज़ेब्रा। ये आप लोग देख सकते हैं कि हर एक एनिमल के लोगों ने पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। सो जो भी एनिमल आप लोग देखते हैं उसके बारे में आपको गाइडलाइन दी है, तो आप लोग ये ज़रूर रीड कीजिएगा। इनको फिर पॉपकॉर्न्स खिला देते हैं, कमज़ोर है तो पॉपकॉर्न्स खिला देते हैं। So, अभी हम लोग जा रहे हैं जी सफारी बेस। ये छोटे हाथी रहेंगे, इधर बड़े हाथी रहेंगे, है ना? ये केले को देखो, बच्चा बच्चा देखो, हाथी का कहाँ वो तो छोटा सा बेबी एलिफेंट। ओह फर्स्ट टाइम सी गॉट टू सी दिस बेबी एलिफेंट। वो देखो उसका कैसे कर, वो बीमार है पता नहीं, वो उसको किस सेपरेट की डॉक्टर बीमार है वही लेते हैं, उसकी डॉक्टर साथ में वही लेते हैं। तो हमें ये एक एलिफेंट मिला है जी, अकेला हो सकता है, कुछ खा रहा है, और ये सारे अपने फैमिली के साथ घूम रहे हैं जैसे हम अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं। जी हम देख रहे हैं एलिफेंट्स, हाथी, हाथी मेरा साथी। सो अगर आप लोग बनना चाहते हैं हमारे साथी, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। आपको हाय करने आई, ओ वो बाहर भी आ रही है बेनी, एलिफेंट बाहर आ रही है, देखो हेलो। सो जी पीछे है मेरा हाथी, मेरे साथी मुझे करने आए हैं हाय, और ये कह रहे हैं जी हम भी देखते हैं आपका चैनल देसी अमेरिकन ARZ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जी यहाँ पर हमने देखा है एलिफेंट्स, लाइन, और उसके बाद हमने देखा था जिराफ, जिराफा एंड ज़ेब्रा, और अभी हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं।
बैठो। हिप्पो हट, वाओ। तो यहाँ पर इन लोगों ने जगह जगह पर लगाए हुए हैं मैट्स, गाइडलाइंस दी हुई है जिनको आप लोग फॉलो करके पूरा जू देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं जी हिप्पो हट में। सो वहाँ पर हमें मिले एक गाइड और उसने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई हिपोटमस के बारे में। सो मैंने तो वो इन्फॉर्मेशन सुनकर बहुत इन्जॉय किया बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिली और जो मुझे नॉलेज पहले नहीं पता थी वो मिली। सो मुझे गाइड ने ये बताया कि बेसिकली जो दिन के 15 घंटे हिप्पोपोटामस जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और वो बाकी टाइम वो पानी से बाहर आते हैं, बिकॉज़ जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो वो सारे हिप्पोपोटामस पानी के अंदर थे, बाहर नहीं थे। सो फिर गाइडर ने मुझे बताया कि ये हैं 15 घंटे ये पानी के अंदर रहते हैं, दैट्स वाई वो लोग अभी बाहर नहीं हैं। तो so, ये हमें जी यहाँ पर गाइड भी मिल गए हैं और ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। We have a YouTube channel, you know. Oh, super cool. Yeah. So, I would upload the video. Yeah. Yeah, I mean, they're beautiful animals. And what I do every day, so my job is what we call conservation. Friend of the king. So, I get to just teach people all day. I get to teach people about the animals. Nice. Now, these guys are from Africa. It's super far away from here in the United States, right? And so when we talk about protecting them, like, well, how do we protect hippos? Well, one of the biggest things is the ivory trade. Hippos are actually hunted for their teeth. So they're hunted because their teeth are also known as ivory, the same thing that elephants tusks are. And so what happens is in the modern world, a lot of people are going out hunting hippos and killing them and just taking their teeth. Oh, it's wow. Pretty crazy. It's crazy. And so for now, one of the best ways to help is by staying vigilant, right? Because ivory is sold for the most open feet a day. It's a multi-million, if not billion-dollar industry in the world. So the best way to help stay vigilant and not purchase or sell ivory products. Here in DFW, we are the third biggest hub for illegal animal product trade. Wow. Every day, tons come on through.
And the one way that we can stop it is by just maybe we're scrolling through Facebook Marketplace, or we're looking at these different online sales apps, making sure to not purchase things and reporting things when we see them. Gotcha. Oh, thank you so much. Yeah, absolutely. Enjoying a lot. Thank you so much for the wonderful information that you gave us. Thank y'all for coming out. We can do what we do every day without y'all. So awesome. Awesome. Absolutely. Thank you. Have a great day. Have a good day. You too. Yeah, thank you. Travels. ये थक गए हैं जी, इनको देखकर हिप्पोस डर गए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। बैरी ने हमें जी बताया पकड़ लिया कि तो बेंच से ही अपने फोन बनाने के लिए अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली और उसके साथ साथ आपको भी दिखा दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको डैलस का ज़ू घुमाते रहें तो हमारे साथ रहिएगा, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें हिट। कह रही हैं आपने सिर्फ हमें ज़ू ही दिखाना है, पूरा शहर कब दिखाना है? तो मैंने कहा वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम दिखाते जाएंगे और आप सबको भी वीडियोस के थ्रू हम दिखाते रहेंगे। ट्रेन है, इसके अंदर से ये पूरा आपको करवाते हैं जी एडवेंचर, लेकिन आज ये है बंद, लेकिन कोई बात नहीं। काफ़ी सारा हमने ज़ू का पार्ट देखा बिकॉज़ ये बहुत बड़ा है, सो आप लोग एक दिन में ऑफ कोर्स कवर नहीं कर सकते। सो हम लोगों का टाइम हो गया था ख़त्म बिकॉज़ ये 5 बजे बंद हो जाता है ज़ू, सो हम लोगों को 5 बजे से पहले यहाँ से बाहर निकलना था। सो बाहर निकलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, तो हमने सोचा चलें एग्ज़िट ढूँढ कर बाहर जाने का रास्ता देखते हैं। पकड़े तो ये पॉपकॉर्न खा लेगा स्क्विरल, पकड़े स्क्विरल को।
सो ये था जी आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको दिखाया डैलस ज़ू। सो डैलस ज़ू स्टैब्लिश हुआ था जी 1888 में और ये टेक्सास का सबसे पुराना ज़ू है और ये बहुत बड़ा है और इसमें आपको मिलेंगे जी अफ्रीकन एनिमल्स जिसमें आप लोग देख सकते हैं एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रास, मंकीज, चिंपैंसेस, चीतास, लायंस और पेंगुइन्स और बहुत सारे एनिमल्स और उन सबको देखकर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और मुझे लग रहा था कि मैं अपने बचपन की यादों में दोबारा वापस चली गई हूँ क्योंकि हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ज़ू जाते थे और इन्जॉय करते थे। सो आज मैं ज़ोई को लेकर ज़ू आई थी और ज़ोई को मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़ू दिखाया और ख़ुद भी इन्जॉय किया। होपफुली आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह से व्लॉग्स बनाते रहें सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अपनी राय बताइएगा कि हम किस तरह के व्लॉग्स आप लोग के लिए लेकर आएँ। A few moments later. So, आप लोगों को मेन एग्जिट ढूंढते हुए भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। सो आप लोग अपने टाइम को प्लीज़ मैनेज करें। अगर 5 बजने वाले हैं तो उससे पहले पहले आप लोग मेन जो एग्ज़िट का गेट है उस तक पहुंच जाएं बिकॉज अगर आप लोग नहीं पहुंचेंगे सो आप लोग थोड़े से पैनिक हो सकते हैं। सो हम लोगों ने जल्दी जल्दी मेन एग्जिट तक पहुंचे बिकॉज उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबी वॉक है और इस मेन एग्जिट के बाद भी पार्किंग बहुत दूर है, उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी।
सिडनी ब्रिज, सिडनी ब्रिज। हमने तो डैलस ज़ू में बहुत इन्जॉय किया और यहाँ पर देखने के लिए बहुत अच्छे जानवर थे और इन लोगों ने एनवायरनमेंट इतना अच्छा बनाया था कि आप लोगों को लगता था लगेगा कि आप लोग सच में जंगल में आ गए हैं। सो अगर आप लोग डैलस आते हैं तो ज़रूर डैलस ज़ू को विज़िट करें। सो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी जो है प्लेस है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिहाज से भी, और आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ आप बहुत अच्छी मेमोरीज भी बना सकते हैं। So, अभी ये थक कर के ये बिल्कुल ज़ू के साथ था, मैकडॉनल्ड्स का मैं एनर्जी ड्रिंक सभी को चाहिए। A few moments later. So, हम लोग अच्छे थे जी डैलस के, पर हमने सोचा क्यों सब कुछ पाकिस्तानी खाने को हो जाए। फिर हम लोग आए, कहाँ आए थे हम लोग? आगा जूस खाने हम लोग जैसे कि आगा जूस है जी कराची की ब्रांच और यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, आइसक्रीम की, फालूदास की, जिंगर बर्गर की, वन फेवरेट और फ्राइज और बहुत कुछ। सो वेलकम टू आगा जूस। अभी हम लोग आए हैं जी आगा जूस और हमने ली है कुल्फी, रबड़ी और लाहौर के शेरों ने लिया है जी लाहौरी फलूदा और लाहौर के, अच्छा जी, और लाहौर के लाहौरी कह रहे हैं कि कराची वालों ने हमारे साथ डैलस में जो धोखा किया है, कह रहे हैं ये लाहौरी फलूदा ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि पहले मुझे दिखाएं तो ये ऐसा होता है, अगर ऐसा कमेंट्स में बताएं
कि लाहौरी फलूदा कैसा होता है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग जिसमें हमने आपको दिखाया डैलस ज़ू, मैकडॉनल्ड और उसके साथ साथ आगा जूस सो और अपना पूरा सफ़र जी। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीलॉग्स बनाते रहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। सो जब तक हम लोग न्यू वीडियो अपलोड नहीं करते तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।